बड़वानी नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 9 के मतदान केंद्र में खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल ने सपत्नीक पहुंच मतदान कर आमजनों से भी विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में मतदान की अपील की। बता दें बड़वानी जिले के 7 नगरीय निकायों में 224 मतदान केंद्रों पर आज मतदान हो रहा है। दरअसल जिले के 155,927 मतदाता जिनमें 13 थर्ड जेंडर हैं, बड़वानी जिले के संपूर्ण नगर निकाय में 123 वार्ड पार्षदों का चुनाव करेंगे। मतदाता मतदान केंद्रों पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को ईवीएम का बटन दबाकर मत दे रहे हैं। वहीं मतदान करने सपत्नीक आए खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास कर रहा है। वहीं जिले की 2 नगर पालिका और 5 नगर परिषद में भाजपा की जीत का दावा भी किया। आज पूरे धार जिले में बड़वानी जिले में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। आज मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ है। मैंने अभी मत मेरे वार्ड के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए दिया है। निश्चित तौर पर इस बार जनता विकास के आधार पर वोट देने वाली, और इसलिए पूरे चुनाव प्रचार में ध्यान में भी आया कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के पथ पर और मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी के विकास यात्रा पर लोगों का विश्वास है। और पिछली बार 5 वर्ष तक कांग्रेस की परिषद रही है, लोगों का असंतोष है, इसलिए टेबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता आगे आई है और निश्चित तौर पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। जनपदों के चुनाव आपने देखे कि हमारे यहाँ 7 जनपद थी, 7 जनपद विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी, और अब 7-2 नगर परिषदों के चुनाव पिछले महीने हुए हैं, दोनों नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है। और इसलिए ग्रामीण मतदाता और शहरी मतदाता, इनके केंद्र की सरकार की योजनाओं के लाभान्वित लोग और मध्य प्रदेश की सरकार के हितग्राही लोग, ये दोनों ही हितग्राही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और इसलिए 7 ही नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग मतदान भी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उस अभियान में लगे हुए हैं। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।